बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे यार फटाफट एक बार शेयर करो क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है चैप्टर सीई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मालूम के लिए अगर आप लोग 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो तो भी और दूसरी बात ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है बढ़िया बैक ओके तो उम्मीद करता हूँ सर स्टूडेंट बहुत कम है नहीं आएंगे बेटा वो आएंगे आएंगे धीमे 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 आते हैं ओके प्लीज सीटी का प्रिपरेशन करो चैप्टर पढ़ने से समय या ये ये बात सही है दे माय कॉलेज फर्स्ट फर्स्ट ओके चलो यार एक बार शेयर करो फटाफट संजू भाऊ ये क्या हो रहा है लूज हो रहा है क्या कनेक्शन संजू भाऊ क्या हो रहा है शायद यहां से चलो यार तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो आज हम लोग ग्रेविटेशन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं बेटा कि ये जो चैप्टर है हम लोगों को केपलस लॉ बाद में पढ़ना क्यों पढ़ना मैं इसका रीजन बताने वाला हूं हम लोगों को सबसे पहले यूनिवर्सल स्क्वेयर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बोल के फेमस है भाई ठीक है ना क्या पढ़ना है हम लोगों को न्यूटन्स लॉ पढ़ना बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन का जो न्यूटन्स लॉ है वो पढ़ने वाले है क्या बात है सर ये लॉ लो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों को इस लॉ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा साउंड कम है, तो है, तो है, है। अवस्था अच्छी भाई लॉ सर आज जब आप पढ़ा रहे हो तब नहीं आएंगे फिर आप यम लोगे यस करेक्ट है जातिन वही तो प्रॉब्लम है हमारी कि जब टीचिंग चालू है तब नहीं आते है है कोई टेंशन नहीं यार तो हम लोगों को न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए सबसे पहले कुछ कहानी सुनते हैं देख लीजिएगा यहाँ पे दो मास भैया एक यम वन नाम का मास लिया एक दूसरा यम टू नाम का मास ली लिया ठीक है कोई भी यूनिवर्सल में दो मासेस लिए मैंने संजू कट हो रहा है शायद मुझे देख लेना तो दो एंड एंड दो है क्या करना है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास अलग चीज है ध्यान से देखो भाई सेंटर ऑफ मास इसका मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट का सेंटर पे ही मास हो कॉन्सेंट्रेट ये गारंटी नहीं है हो सकता है यहां पे भी हो तो ये कोइंसिडेंट ऐसा है कि मैंने मास लेते हुए जो ऑब्जेक्ट और, और इसके ऊपर मतलब ब्रह्मांड में जैसे कि आपको पता है सन एंड आर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है पता है सबको मून और आर्थ वैसे ही बेटा यहां पे यम यम टू दो मासस है इन मासस के बारे में इन ने ने बताया क्या न्यूटन्स लॉ ने बताया बेटा न्यूटन्स ने फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देर मासेस मतलब भैया जितने बड़े मासेस और उतना फोर्स ज्यादा लेकिन ये फोर्स है ओनली एट्रैक्टिव फोर्स कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा बोलो बोलो थोड़ा साउंड बढ़ा लो सर प्लीज ओके बहुत सारे बच्चे बोल रहे संजू भाई दरासा आवाज बढ़ा दो डीजे जे वाले बाबू तेरा गाना बजा दो गाना बजा दो है ना है ना वॉल्यूम बढ़ा दे वो कोई गाना होता है भैया हमारे जमाने में ऐसे कोई गाने नहीं थे तो देखो फोर्स जो है बेटा ओनली अट्रैक्टिव फोर्स अगर चार्जेस रहते ना तो रिपल्शन और अट्रैक्शन वाला फोर्स रहता है तो <coughs> यहां पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस प्रोडक्ट ऑफ देयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स दो पार्टिकल के बीच का जो अंतर है वो है तो मुझे इक्वल टू लिखना है डायरेक्टली लिखा था मैंने यम वन यम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखा मैंने ये कोई टेंशन है भाई अब यू इसको जी लिखूंगा मैं जी कॉन्स्टेंट जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बुक में जैसा वैसे को वैसे नहीं ले रहा हूं आप पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं भेजता तो हूं बेटा आज आज से भेज दूंगा मैं डोंट वरी ठीक है और यहां पे डिवाइडेड बाय स्क्वायर यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी लॉ को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला गया है जो ऊपर लिखा है बेटा सेंटेंस में ये यही चीजों को पढ़ना था देखो जैसे कि पार्टिकल अट्रैक्ट है ना पार्टिकल ऑफ यूनिवर्सल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मासस है ना प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्कर ऑफ डिस्टेंस टू पार्टिकल्स बस दोनों को एक जगह पर लिख दिया भैयानी पड़ती है जो साइंटिस्ट लोगों ने करके रखी है, है ना मैं बेटा महाराष्ट्र औरंगबाद से सर रोज अस बोल नहीं नहीं दिनेश 100 आज देखो एक सेटिंग सेटिंग सीख हम लोगों ने पहले सेटिंग पता नहीं थी दिनेश दिनेश सर 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 से बात होगी ने बोला कि सर ये सेटिंग करो। मेरे में नहीं थी। पहले मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी कौन है जी जी भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट सिक्स पॉइंट सिक्स टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन स्क्वायर पर के जी स्क्वेयर गॉड इट लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा हम लोगों को ये वैल्यू सर बेसिक से बताओ प्लीज हाँ बेसिक से ही बता रहा ना बेटा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बताया ना पहले लेक्चर में इसलिए प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी होता है ठीक है ना चलिए बढ़ता हूं आगे देखो यार ये कांस्टेंट वैल्यू जैसे जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट लिखते हैं वैसे कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्सल में कहीं पे भी गए तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हो रहा है तब ये कांस्टेंट वैल्यू कहीं पे भी लगा सकते फिर आर्थ हो नेपच्यून हो प्लूटो हो मंगल हो शनि हो आपके पीछे शनि लगा हो पता नहीं मुझे तो ये वैल्यू है लेकिन ये वैल्यू हमको यमसी आता है और यमसी में ये एसआई यूनिट है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये एसआई यूनिट है हमको एसआई यूनिट नहीं पूछते हम लोगों को सीजीएस में वैल्यू पूछते हैं और इसकी सीजीएस में जो वैल्यू है वो होती है 6.67 टेन रे टू माइनस 8 न्यूटन को लिखते हैं भाई डाइन मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर और किलोग्राम को लिखते हैं ग्राम स्क्वायर क्या बात समझ में आ रही है ये value आप लोगों को हो 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 या कोई competitive exam हो या कोई उसमें पूछते मतलब सीधे उंगली से घी नहीं निकालते भैया भी, हाँ भी होता है रिमिक्स हो सकता है ना के भी हम लोगों को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट देखना है जी की वैल्यू बात कर रहा हूं ठीक है बेटा ओके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है तो यू जी एम वन एम टू डि जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी कौन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू ये, ये सही यूनिट में ऊपर वाली और जो नीचे वाली है वह सी में है बात आपको ध्यान में आनी चाहिए क्या आपको समझ में आ रहा बेटा ऋषिकेश के प्लस लॉ भी लेने वाला हूं लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं के प्लस लॉ बाद में लेने वाला हूं क्योंकि एक बार सीरीज चालू होगी तो बीच में मुझे लगता है के प्लस लॉ बाद में पढ़ना चाहिए आई कट माइ माइंड से बता रहा हूं मैं आप लोगों को के प्लस लॉ बताने वाला हूं और दूसरी बात दूसरी बात आप लोगों को बेटा ये मैं कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ाना चाहता हूं ठीक है ना चलो आगे बढ़ना है क्या आपने लिख लिया चलिए हो होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोगों को इसके बाद में बेटा एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निकालनी है क्या निकालना है एक्सरलेशन एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है बेटा मतलब इसका जी की वैल्यू हम लोगों को निकाल लिया ओके स्मॉल जी जी इज द एक्सलेशन डू टू द ग्रेविटी खुशी बोल रही है सर एक बार रिपीट करो रिपीट करता हूं बेटा देख लेना मुझे पढ़ना था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा ये चैप्टर एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है बुक्स में थोड़ा सा लॉ पहले बता है, लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने पहले ये ले रहा हूं ठीक है तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको देना था तो सबसे पहले दो महीने कोई तो ऑब्जेक्ट ले लिए दोनों के बीच का अंतर आ है पहले ऑब्जेक्ट का मास का है है दूसरे का मैंने देखा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही

कि यार यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास है जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अट्रैक्ट होने का जो फोर्स है वो मासेस पे डिपेंड है लेकिन जितना दूर रहोगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इसलिए यूनिवर्सल स्क्वेयर लॉ इस्तेमाल किया मैंने बस दोनों को एक जगह पर लिखा अब मुझे इक्वल टू लिखना था तो वहां पर कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है जी जैसे चीजें रखी मैंने लेकिन जी कौन है यह कॉन्स्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू बेटा 6.67 स्क्वायर लेकिन एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा भैया आया तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा बहुत सारे बच्चे को एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होती है तो वो एक्सप्लेनेशन पहले कवर करता हूं हो सकता है कि सर हमको तो एक्सप्लेनेशन तो पता ही नहीं है चलिए मैंने क्या बोला यार जी की वैल्यू आपने लिखी लिखीट में टू न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर करेक्ट है बेटा ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है लेकिन सर सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देख लीजिएगा बेटा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन रेस टू माइनस इलेवन आपको बता दूं मैंने ये यूनिट एंड मेजर में 1 न्यूटन को 10 रे टू 5 डाइन बताया था याद होगा तो एक बार थम्सअप करो नीचे से अरे बावड्यांनो नो थम्सअप तक करा हेलो मुकेश सर आई गॉट द सेलेक्टेड द नीड 600 16 मार्क्स ओ हर्ष कांग्रेचुलेशन बेटा सर मुझे दिनेश सर का नाम पैसे

और वन किलोग्राम होता है टेन रेस टू थ्री ग्राम ये कन्वर्जन है बेटा अब देखो एक न्यूटन को मुझे लिखना है डाइन तो टेन रेस टू फाइव डाइन लिखा क्या मेरी बात समझ में आई बेटा ये yeah, इट न्यूटन एक न्यूटन मतलब टेन रेस टू फाइव डाइन लिखा है यहां पे टेन रेस टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर सर क्यों क्योंकि यहां पे मीटर का स्क्वायर है तो भाई इसका स्क्वायर कर लो भला टेन रेस टू टू सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे करोगे वन मीटर स्क्वायर तो ये टेन रेस टू फोर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मेरी बात समझ में आ रही है पावर का पावर हो तो मल्टीप्लीकेशन होता है पावर का पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है ओके okay? तो ये समझ में आया वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन रेस टू फाइव डाइन ये मीटर स्क्वायर है तो ये कर रहा हूं टू फोर और ये किलोग्राम का होगा बेटा टेन टू सिक्स ग्राम आप बोलेंगे क्यों सर क्योंकि भैया इसका भी स्क्वायर स्क्वायर है तो इसका भी करो ना सर तो पावर थ्री टू जा सिक्स बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बहुत इजी चीज है समझना जरूरी है आप देखो जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू माइनस सत्रह हो रहे टेन रेस टू ये टेन हो रहा है यस yes? नहीं नाइन है नाइन हो रहा है बच्चा पार्टी ओके एक मिनट जी अब देखो यहां पे टेन रेस टू नाइन हो रहा है ये डाइन है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ये ग्राम स्क्वायर है मैं क्या बोल रहा हूं देखो ध्यान से देखो जिनको नहीं समझ में आया बच्चा पार्टी ध्यान देना बहुत जरूरी है देखो बेटा ये माइनस इलेवन ये टेन रेस टू सिक्स है माइनस इलेवन थे ये टेन रेस टू सिक्स वाला ऊपर गया तो माइनस सिक्स होता है पावर प्लस सिक्स से ऊपर जाने के बाद माइनस सिक्स तो माइनस इलेवन माइनस सिक्स माइनस सत्रह होते है, टेंशन है और ये टेन रेस टू फाइव टेन रेस टू फोर ये प्लस इसलिए उसकी एडिशन नाइन आती है तो जी की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मुझे बताओ ये सत्रह में से नौ गए तो माइनस एट रहेंगे माइनस एट तो ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर मैंने पहले बोला था बेटा ये सवाल एमसीक्यूज के अंदर आता है गॉट इट बेटा जिनको एस यूनिट सीजीएस यूनिट समझ में आ रहा है वो बच्चा 100 परसेंट एक क्वेश्चन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला सॉल्व करने आता है क्या हाँ आता है बेटा यस नहीं है टेंशन तो दे दो अटेंशन चलो ओके okay? सिंपल फंडा था कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं चलो नेक्स्ट ये एग्जाम्पल बाद में करवाने वाला हूं मेजर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे करते हैं हां एक्सेलरेशन डू टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन डू टू द ग्रेविटी बेटा हम लोगों को यहां यह सरफेस है सरफे से आपकी और कोई एक ऑब्जेक्ट बेटा यहां पे ग्रेविटी कितनी होगी ऑन अर्थ सरफेस जैसे मैं हूं आप हो आर सर आप एक पढ़ा रहे हो स्कूल में और कुछ पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कौन सा पढ़े ज्ञानेश्वर आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो ठीक है ना बेटा चलिए आप सिंपल है बेटा ये इसका एक छोटी ऑब्जेक्ट है इसका मास यम है ये आर्थ मान के चल रहे हैं हम लोग और आर्थ का मास कैपिटल और इसका रेडियस आर है बच्चा पार्टी रेडियस कितना है अर्थ का आर है अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा बेटा जी एम वन को कैपिटल बोलो यम टू को स्मॉलियल बोलो और डिस्टेंस दोनों के बीच का आर स्क्वेर है क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चा हमारे पास जो फार्मूला था यू जी यम वन टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बेटा एम वन कौन है मास ऑफ द आर्थ दिनेश क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ ताकि मुझे बताने में तकलीफ ना हो जाए ठीक है चलिए देखो बेटा यही फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा है क्यों लिखा क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया वो आर सरफेस पे है मैं हूं आप हो आर सरफेस पे हो इसका यम वन का मास लिया बेटा और ये यम टू है है ठीक स्मॉल आर मतलब सेंटर से सेंटर टू सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास से लेकिन सेंटर टू सेंटर अंतर नहीं होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ठीक है ओके बेटा जी यम डिवाइड बाय आर स्क्वायर या न्यूटन्स लॉ मैंने सबसे पहले पहले चैप्टर में बताया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूमे पता है बेटा आपको मास इंटू एक्सरलेशन ओके लेकिन मुझे बताओ ये मार्कर है ऊपर फेंका नीचे आ रहा है क्यों आ रहा है ऊपर फेंका था नीचे क्यों आ रहा है तो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के कारण हो रहा है ये जो देखो ना बेटा ये मार्कर है नीचे जब आएगा उसकी स्पीड चेंज होती है स्पीड बढ़ते 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 स्पीड बढ़ना या घटना उसको कहते हैं बेटा क्या एक्सरेशन ओके मतलब एक जगह पे जी लिखो इस इक्वेशन को वन नाम देना इस इक्वेशन को टू इक्वेशन टू की वैल्यू फर्स्ट में उठप कर रहा हूं तो यम जी यहां पे G कैपिटल जी स्मॉल स्मॉलियम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर स्मॉल स्मोलियम कैंसल एक्सरलेशन डू टू द ग्रेविटी G कैपिटल कैपिटलियम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर दिस इज द एक्सरलेशन डू टू द ग्रेविटी ये क्या बेटा एक्सरलेशन डू टू द ग्रेविटी ऑन द आर्थ सरफेस पे मतलब जो आर्थ है आपके पास वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मुझे जीएम बाय आर है। बेटा आज हमारा जो टारगेट है यस yes, करेक्ट है जतिन 9.8 मीटर पर सेकंड लिख सकते थैंक यू यादव जी थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो कुछ बच्चे हैं ऐसे सर नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है कभी नहीं समझेगा बेटा ऐसे करोगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तब तक फिजिक्स समझना बहुत हार्ड होता है करेक्ट है ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी है आपकी क्लास में हो चुकी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है ना हाँ बेटा पारस के पारस अंबेडकर कह रहा है कि सर मुझे नहीं क्या मोशन इन प्लेन में पढ़ाऊंगा डोंट वरी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके लिए हम लोग खड़े भाई तो आपको करवा के देंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्यों हो रहा है भैया ये लूज कनेक्शन एक मिनट मुझे देखने दो ओके ठीक है ओके ओके बढ़ना आ गया अभी चलो एक्चुअली मैं अच्छा लग रहा है कि कुछ किया हुआ कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस आ रहा है यस जतिन मैं वही बोल रहा हूँ ये चैप्टर लेने का एक कारण एक सीई के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ में अपने पढ़ा है ये चैप्टर क्लास टेंथ में ये चैप्टर था ठीक है अब देखो मैं आगे बैठ रहा हूँ आगे की कहानी सुनिएगा हाँ जी आगे क्या देखना बेटा अरे आज क्या हो रहा है भाई ये रेनबो क्यों आ रहा है बीच बीच में रेनबो आ रहा है <laughs> आज रेनबो आपके ऊपर बहुत प्रसन्न आई थी ठीक है ना तो होता है इसे। चलो अब मैं इसे एक सैटेलाइट है समझो यह आर्थ है हमारी ओके सर यह हमारा सैटेलाइट है यह सैटेलाइट आर सरफेस पे यच अंतर पे रखा है और इसकी जो आर्थ की रेडियस है, आर है बेटा ये मास है अर्थ का ठीक है यह सैटेलाइट मानेंगे हम लोग ये सैटेलाइट है ठीक है यच हाइट पे और इसका मास यम है ओके? तब ग्रेविटी अर्थ सरफेस जी यम, बेटा ये आर मतलब क्या है आर इज द अंतर है दोनों के बीच का इसका मास ऑफ द सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ द आर, तब यहां पे आर प्लस यच करना पड़ेगा अंतर का रूट डिस्टेंस का स्क्वायर है जो अंतर है किसके मास ऑफ और ये ये ठीक है ना तो ये लिख सकते इक्वेशंस को नाम दो वन और इस इक्वेशंस को नाम देना है टू ठीक है मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अर्थ सरफेस की निकालनी है तो मैं सेकंड बाय फर्स्ट करता देखो सेकंड बाय फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मेरे पास जी एच और फर्स्ट बेटा जी ये मेरे पास जीएम डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर डिवाइडेड बायपे जी एम अपॉन आर तो मुझे जी एच निकालना है ये जी होगा यहां पे देखो जीएम आपको बता दू अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर रहा है तो कर सकते हो लेकिन उसके लिए न्यूमोनीटर और डिनोमीटर को चेंज करना पड़ता है मतलब ये आर को ऊपर जीएम नीचे देखो बेटा ये डिवाइड था जीएम बाय आर स्क्वायर मैंने उसको क्या कर दिया मैंने एक सिंपल इसको इनवर्स कर दिया इनवर्स इनवर्स उल्टा कर दिया अब देखो ये जीएम जीएम मरेगा श्योर अब ये मुझे जीएच निकालना है बेटा ये जी को इधर लाता हूं यहां पे ब्रैकेट रखता हूं आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच इन सभी का स्क्वायर इसलिए कॉमन निकाल सकता हूं तो ये है डू टू ग्रेविटी बेटा ठीक है ये हाइट के ऊपर की ग्रेविटी है मतलब ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी कम 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 होती रहती है कहा जीरो थी तो इंफिनिटी पे भैया जीरो नहीं होती लेकिन बोला किसी ने है ना तो वो इंफिनिटी पे होती है ओके मतलब बेटा ये जो ग्रेविटी गिनने का फार्मूला है ये फार्मूला जब आर के बराबर आसपास यच हो सर आर के बराबर यच मतलब ये जो रेडियस है ना अर्थ का ये बेटा 6400 किलोमीटर अगर इसके बराबर अगर कोई भाई गया ऊपर हवा में है ना तब बेटा ये एक्सरलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का हाइट पे गिनने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वाह 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 क्या बात बोली सर क्या बात बोली सर ओके हाँ वीडियो लैग हो रहा था थोड़ा सा सर स्क्रीन ब्लैंक नहीं अभी नहीं हो रही मैं भी देखता हूं भैया यहां पे। ओके ये एक फार्मूला दुआ में याद रखना हम लोग क्या पढ़ने जा रहे बेटा हमने आज तक यह पढ़ा है आज तक आंसर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन क्या ये कांस्टेंट होती है तो आंसर ये नो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वेरिएशन होता है हाँ जी ऊपर जाओ तो नीचे अर्थ के अंदर गए तो भी इसका शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है अर्थ के रोटेशन होने के कारण ये सब सबके कारण होता बेटा बेटा सब चैप्टर लेने वाला हूं डोंट वरी वेक्टर सब पढ़ाऊंगा बेटा जयसवाल जी एम ऑनलाइन होता आकाश ठीक है जिनको नहीं समझ में आया आई विल रिपीट फोर्स दो मासे तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता भाई यहां पे वो है जीएम एम यम डिवाइड बाय आर स्क्वेयर है ना ये टू यम ए न्यूटन का ला है एक के जगह पे जी रख सकता था तो देखो यम ये जी रखा है

अगर ये सब वैल्यूज रखोगे देखो जी की वैल्यू मालूम है 10 raised to -11, मास भी पता है, आर भी पता पता है है तो ये वैल्यू मिली थी बेटा लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू द्रेविटी हर जगह पे चेंज होती रहती प्लीज स्टार्ट नेक्स्ट एक ऑप्टिक्स देखो यार एक बात बोलता हूं मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूं प्लीज यार ये स्टॉप कर दो कि सर आप ये चैप्टर पढ़ाओ वो चैप्टर पढ़ाओ ये करो सर वो करो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपकी बात सही है दीपक याद हो मैं आपको चिल्ला रहा नहीं यार कुछ गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ बोल रहा हूँ मैं कि आपके कमेंट ये पढ़ने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ आपके कमेंट ऐसे होने चाहिए हाँ सर जी की वैल्यू ये ये इसकी है ताकि मुझे और अच्छा लगे सर आई एम फ्रॉम ट्वेल्थ अरम्बे बैच प्लीज स्टार्ट द मैग्नेटिक मटेरियल प्लीज बेटा सब स्टार्ट होगा डोंट वरी ओके okay, अब मुझे आगे बढ़ना है अब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी यही फार्मूला अब मुझे कुछ अलग तरीके से पढ़ाना है मतलब लैटिट्यूड एटीट्यूड नाम सुना हो तब बेटा यहां पे आर रेडियस है या आर थे सबको पता है ये मास ऑफ थे ये मास ऑफ सैटेलाइट है इसके लिए मेरे पास जो यहां पे फॉर्मूला था यू जी यम यम डिवाइडेड सेम फार्मूला बेटा टू यू से वैली पुटअप करो यम जी यहां पर जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्कम कैंसलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी एम अपॉन आर भाई सेम फार्मूला है ओके अब सेम अगर अबाउ सरफेस रहा तो क्या करोगे भाई? भाई, 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 ये ये? ये 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 तू से आ गया ये ये मेरा हवा में हवा ले रहा है मेरा और ये अर्थ है ये सब पता है तब इसकी एक्सरेशन ड्यू टू द्रेविटी अबाउ दर्स थी जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्कूल इन दोनों को इक्वेशन को याद रखना मेरी दुआ लगेगी अगर मेरी दुआ चाहते हो भाई तो इस चीज को याद रखना हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं। इक्वेशन वन है और ये टू वाला इक्वेशन है भाई। तो जीएच सेकंड बाय फर्स्ट पता ना ये सेकंड बाय बाय थोड़े से कैलकुलेशन बेसिस पर अलग काम करने वाले देखो बेटा ये आर प्लस इसको GM भाई आर है भाई। चलो सर कर लो कर लो जी एच बाई जी पहले जैसे ही कर रहे हैं सर हाँ जी पहले जैसे ही चीजें है आर प्लस है यहाँ पे मुझे मैंने बोला था खाली मुड़ कर वरी पाई मतलब बेटा न्यूमोनीटर टू डिनोमिनेटर करना है डिनोमिनेटर टू न्यूमोनीटर करना है है ना ओके भाई GM जी एम जी एम हो रहा है अच्छी बात है सर तो जी एच अपॉन जी यहां पे ये आर स्क्वेयर है भाई यहाँ पे भाई, ये जो है आर प्लस एच मैंने इसको कॉमन स्क्वेयर रखा था हम लोग यहां से कुछ हमारा माइंड चेंज कर रहे हमारा माइंड क्या कर रहा है चेंज कर रहे क्यों कर रहे इसका आंसर फाइनली मिलेगा टेंशन लेने की नहीं देने की चीज होती है चलिए भाई, जी ए द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउ द आर सरफेस कुछ हाइट पे कितनी ग्रेविटी है जी एच का मतलब ये है भाई है ना वट इज द G एच जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउ द अर्थ सरफेस चलो सर क्या गेम खेलने वाले खेलो जी एच बाय जी ये आर स्क्वेयर है यहां पे भाई इस आर स्क्वेयर को बाहर निकालो वन प्लस एच बाय आर क्या आपको कॉमन निकालना आता है कुछ नहीं भाई ये R को कॉमन निकाला तो ये बचता है कॉमन निकाला सीखो सीखना कैसे सर देखो ये आर होगा अगर मैं यहाँ पे एच आर बाय आर देखो इसका स्क्वायर ये होता है कैंसर तो आर प्लस एच स्क्वायर होगा क्या नहीं इसका कॉमन देखो इसको अगर अंदर लेके जाओगे देखो बेटा ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कॉमन निकाला कॉमन बच्चा अटक सकते हैं यहां पे इसलिए बता रहा कॉमन निकाला मैंने है ना ग्रेविटेशन एक्शन यस चलो मेरे भाई ये खा लो खा लिया सर ये जीएच है हाँ सर ये जी है ऊपर लेके गए तो क्या होता है कुछ नहीं पावर माइनस होता है पावर की बात समझ लो भाई ये डिवाइडेड था ऊपर गया पावर माइनस यार आपको एक्सपोनेंशियल का एक थ्योरम होता है पता आप लोगों को इसकी बात करो लो तो इसका आंसर एक ऐसा होता है ना वन प्लस यक्स रेस्ट टू यन ऐसा रहा तो फार्मूला देखो आई थिंक आई थिंक वन प्लस एन एक्स यस ऐसे ही ना भाई प्लस n n प्लस वन है ना डिवाइडेड बाय टू x स्क्वायर ऐसा फार्मूला होता है ना जिनको पता नहीं है रिपीट करता हूं पहले आपका पढ़ाने का स्टाइल मस्त है थैंक यू भैया बात समझ में आ रही है ये बाइनोमियल तेरम अगर नहीं आता है सर हम मैथमेटिक्स वाले ने यह ना हमको समझ में नहीं आता है कुछ नहीं करने का जादू खेलने की फिर जादू तेरी नजर खुशबू तेरी गजल तो हाँ कर या ना कर कुछ नहीं कर बस यहां पे वन एज इट इज ये जो पावर है दूसरे टर्म को माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में ले ले भाई और खिस्से को खत्म कर ली टर्म निगलिजिबल होती है क्योंकि भैया हाइयर टर्म अगर करोगे किसी नंबर का अगर यहाँ पे हाइयर टर्म करोगे तो वो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगी उतने हाइट पे तो नहीं जा सकते ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे हाइयर टर्म नहीं लेते इसकी भी देखो ये छोड़ दो तो, वो लेने की जरूरत नहीं है भाई ये समझना है सर आपको एक्सपीरियंस है पर मैथमेटिकल मेथड लेसन स्टार्ट करने पर हमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आता है जब हमारे बेसिक से हो जाते तो अच्छा है बेटा करवा के दूंगा ये चैप्टर बहुत कम दिन में होने वाला डोंट वरी बी हैप्पी मैं हूं ना भाई ये बात समझ में आ रही है जिनको नहीं आता है वन ये पावर नीचे उतारो खत्म कर दो किस्सा बस प्लस माइनस प्ल, माइनस टू बार टू से मल्टीप्लाई क्यों किया इसके पावर जिनको बाइनोमियल थ्योरम समझ में आता है इनको ये फार्मूला लिख के दिया है जो मैथमेटिक्सियन हो ठीक है अब देखो जी ये जी इधर जाने वाला है बचा क्या वन माइनसेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउद का फार्मूला सर हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो कैसे सर अभी अभी बोला कि सर एक्सेलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का ये भी फार्मूला बोला अभी ये भी फार्मूला बोल रहे सर हमको क्यों उल्लू बना रहे हो कुछ समझा दो सर हाइट के दो फार्मूले कैसे हो सकते एक ये फार्मूला और इसके पहले वाला पेजेस पे यह फॉर्मूला सिखाया कुछ तो गड़बड़ हो गई सर जियोग्राफी <laughs> ओके। बेटा समीक्षा देखो तो यार कुछ जादू तेरी नजर ये कुछ हो रहा है देखो भैया फॉर्मूले दो कैसे आ सकते समझो समझने वालों को इशारा का भैया जब मेरा यच यहाँ पे बहुत छोटा हो आर से तब ये फार्मूला नहीं समझेगा समझाता हूँ समझाता भाई। और जब यच हमारा कंपेरेटिवली आर जैसे हो मैंने अभी अभी बोला रेडियस होती है भैया आर की 6400 किलोमीटर जो आर्थ के अंदर जाते होंगे उनको पता है हाँ सर हम कोई अंदर जाने वाली घुसखोर है देखो बच्चों अगर आपने ऐसा बोला कि मैं यहां से आर सरपेस से 400-500 किलोमीटर ऊपर गया था ऊपर मतलब एकदम ऊपर मत जाना नहीं तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे किसने बोला था मुकेश सर ने आएंगे मेरे घर पे स्टंप लेके हमारे बच्चे को कोई ऊपर भेजते हो क्या आप हाँ ऊपर समझ में आ रहा है ना बेटा जब स्मॉल साइज हो यस जब स्मॉल साइज हो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करो नंबर देना है क्या हाँ चलो इसको देते हैं तीन नंबर और ये चार नंबर का फॉर्मूला मतलब जब स्मॉल हो हाइट कम हो कम 300 400 500 किलोमीटर 800, 800 किलोमीटर तब इस फॉर्मूले को चिपकाओ और जब आपकी बात चालू है सर 5000 किलोमीटर में हवा में गया ऊपर ऊपर सर में 6000 किलोमीटर गया 7000 किलोमीटर ऊपर गया कोई नहीं जाएगा मुझे भी पता है इसलिए फार्मूला नहीं इस्तेमाल करते यही करते है <laughs> ना हम लोग जा जाके कितने जाने वाले पे बात हो रही है हा यस करेक्ट है यार बच्चे का एक खासियत होती लाइक ही नहीं मारते इतना पढ़ रहे समझ में आए क्या हाँ सर आ गया सर है ना लेकिन लाइक नहीं मारते क्यों नहीं मारते क्या पता भगवान <laughs> वो डाले रे बाबा ऐसे बच्चे को हाँ एम एस टी सी टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा चलो तो ये जिन बच्चों को नहीं समझ में आ गया उनके लिए आई विल रिपीट देखो भाई आप लोगों को ग्रेविटेशन लॉ पता होना चाहिए कौन सा लॉ सर ये कौन सा लॉ है भाई ये एक्सल सॉरी ग्रेविटेशन का लॉ पता होना चाहिए दुआ में याद रखना मेरी दुआ लगेगी भाई जो बच्चे कर रहे हैं ना अच्छे उनको मेरी दुआ हमेशा आपके साथ होगी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुआ है मेरे रब से ठीक है बेटा ये, ये फिजिकल टूम न्यूटन का लॉ है एक के जगह पे जी इस्तेमाल क्यों करना है एक्सरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी है इसलिए कंपेयर करके ये फार्मूला मिला मुझे तो ग्रेविटी का बाद में इसी फार्मूले से हाइट के लिए फार्मूला निकाला बस प्लस यच करना है आर के अंदर प्लस यच करना है खत्म किस्सा है सर बस इन दोनों को डिवाइड किया भैया डिवीजन में आपको बोला जब डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो हाँ जी सर

यहां पे बायनोमियल थ्योरम है भैया कौन सा थ्योरम है बायोनोमल थ्योरम सर अब तक सब लेक्चर के प्लेलिस्ट दे दो ना प्लीज ओके ओके बेचता तो बेटा तो जी एच बाई जी ठीक है इसके लिए बायोनोमल थ्योरम जिनको नहीं आता है डोंट वरी बी मैं हूं होना भाई वन इसको नीचे लाओ माइनस टू है ना तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करो तो वन माइनस ट्वाइस मैंने बोला जी एच निकालना ये इधर गया लेकिन ये दो फॉर्मूले है कंफ्यूजन करने वाले हम करें क्या सर इसीलिए तो मैंने यहां पे प्रूव करके दिया ना भाई अरे इस आर को अंदर डालो ना तो ये स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर अंदर डालोगे तो आर बनेगा देखो ना ये है ऐसा आर ठीक है ना बेटा वन प्लस एच ठीक है अब ये है, इसका भी स्क्वेयर है जब अंदर डालोगे तो आर जा आर स्क्वेयर रखने की जरूरत नहीं ये मल्टीप्लीकेशन करके देखो ठीक है बेटा तो आर आर कैंसल देखो आर प्लस यच ही मिलता है कि नहीं ये देखो आर प्लस एच यही तो कॉमन निकालना आना चाहिए समझे क्या सर मेरे मन में हमेशा विचार आते वैसे जैसे मैं पढ़ाई रुक वरी बेटा विचार आते रात दुनिया में कोई भूत गीत कोई नहीं भैया ठीक है ना दुनिया में बस खुद के ऊपर भरोसा करो और काम कर चलो आगे बढ़ रहा हूं चलिए अब हम लोगों को क्या करना है जैसे हवा में जाते थे भैया वैसे अर्थ के अंदर भी आना है आर्थ के अंदर? अब ड्रिल मशीन लेके घूमेंगे हम लोग अंदर ड्रुन ऐसा कर कर मशीन से ऐसे 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 तो अंदर 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 गे 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 रे बाबा गया अंदर समझे क्या दल दल में अंदर जैसे जाते वैसे ड्रिल मशीन डाल के डाल के जाना है अर्थ के अंदर तो ये है हमारी ओरिजिनल अर्थ ओके सर ये है इसका रेडियस कोई टेंशन नहीं है सर ठीक है बेटा ये मास ऑफ द अर्थ है एक जो सैटेलाइट है जो अंदर जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं भैया ये सैटेलाइट यहां तक आ गया मुझे अलग मारकर इस्तेमाल करना चाहिए मुझे लगता है मुझे हक है भाई अलग मारकर इस्तेमाल कर, कर है चलिए अरे जिंदगी हर कदम एक देखो यहां तक है अंदर आ गया तो यहां से इस कोर को कट कर दिया कोर कोर मतलब का कोर ये तो आप लोग डेप्थ से इतने अंदर आगे भैया ठीक है ना मतलब यहां से ये जो है ना इसको डिस्टेंस कहेंगे हम लोग ये इन दोनों का डिस्टेंस है स्मॉल आर मतलब स्मॉल आर मतलब क्या है आर माइनस डी है बेटा बात समझ में आ रही है ये है आर यहां से यहां आर क्या है अंतर किसके किसके बीच का सेंटर ऑफ आर्थ मास ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट अंदर आ गया टोटलेशन ड्यू टू दी मतलब तो का रिलेशन निकालू तो क्या मिलेगा देखो बेटा एक्सरलेन ड्यू टू द्रेविटी यहां पर हमारे पास जीएम अपॉन आर स्कूल और एक एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का क्या हुआ भाई <laughs> येलो मार्कर लकी है ओके okay. ये बुक में नहीं मिल रहा है डोंट वरी बेटा ये मिलेगा चलो यहां पे हम लोगों को मास मतलब क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपने डेंसिटी का फॉर्मूला तो सुना होगा बेटा डेंसिटी है मास पर यूनिट वैल्यूम तो मास होता है बेटा वैल्यूम इनटू डेंसिटी अब वैल्यूम किसका किसका वैल्यूम आपको पता है वैल्यूम होगा किसका वैल्यूम बेटा ये वैल्यूम है अर्थ का अर्थ एक स्फीयर है और स्फीयर का जो वैल्यूम होता है याद रखना बेटा फोर बाई थ्री पायर क्यूब ये है मेरे पास फार्मूला अर्थ का वॉल्यूम फोर बाई थ्री पायर क्यूब चलिए सर रख दो ये g डिवाइडेड बाय आर यम की वैल्यू यहां पे लिख के रखी है उठाओ खटक से यहां पे डाल दो क्या मिल रही है 4 3, पाई आर रो, क्या वाले सर यहां से दो गए दो गए एक बाकी लेकिन ना तो g की वैल्यू मुझे मिल रही है फोर बाय थ्री पाए आर रो, जी, ये है रोन डू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस अर्थ के डेंसिटी पे डिपेंड करेगी रो मतलब डेंसिटी बेटा है ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई प्लानिट पत्थर से बनने वाले होंगे कोई प्लानिट धातु से भी बने वाले होंगे क्या पता हमको धड़ा क्रमांक का सांगा नशा हुआ धड़ाई का बगा यार कौन सा धड़ा है पहला चैप्टर तो यूनिट एंड मेजरमेंट दूसरा मैथमेटिक मोशन इन प्लेन बाद में लॉज ऑफ मोशन है पांचवा है है क्या मजा ओके तारक, तारक मेहता कॉमेडी <laughs> सैटेलाइट को अर्थ ग्रेविटेशन अट्रैक्ट क्यों नहीं करते करते ना बेटा लेकिन वो वीकेस्ट फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है नहीं तो वो मैग्नेट जैसे खटाक से आके चिपक जाता था ठीक है ना ओके यही एक्सेलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डेथ में कितनी होगी बेटा देखो बेटा ये जो आर है ना यहां पे ये पहले ऑन द अर्थ पे मतलब ये था मतलब इसका जो स्मॉल आर वो कैपिटल आर था क्योंकि हम लोग ऑन द अर्थ पे पढ़ रहे थे अब इस कहानी में देखो क्या हो रहा फोर बाई थ्री पा आर माइनस डी रोजी क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा ये डेट में ओनली आर माइनस डी लिखा मैंने क्यों क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू आर माइनस डी पहले आर आर इतना था स्मॉल आर कैपिटल आर इतना था क्यों क्योंकि वो आर सरफेस भी थे बाद में धीमे 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 वो सैटेलाइट अंदर आ रहा है क्या कर रहा है अंदर आ रहा है ठीक है ना मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी ओके चलिए तो जी अब एक काम करते इस इक्वेशन को वन बोलते इसको टू बोलते डिवाइड करते बेटा देखो जी डी बाई जी करते हैं जी डी तो मेरे पास ऑलरेडी है फोर बाय थ्री है ना पाए यहां पे आर रो जी है फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री कैंसल पाए पाई कैंसिल जी जी कैंसल रो रो कैंसल आर आर कैंसल नहीं कर सकते बेटा है ना मैं सेपरेट करके डायरेक्ट बताने वाला हूं जीडी इज डिवाइड बाय डी जीडी कौन है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द डेप्थ पोजीशन डी मतलब डेप्थ अंदर अर्थ के अंदर तो बेटा बचा क्या मेरे पास देखो आर डिवाइडेड बाय जो है वो दोनों को सेपरेट किया तो ऐसा लिख सकता हूं है ना भाई ये बात समझ में आ रही बेटा आर माइनस डी डिवाइड बाई आर ए तो सेपरेट क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना क्योंकि मुझे यहां पे समय बचाना आर आर कैंसल तो जी डी ये जी वन माइनस डी बाय आर डी बाई आर दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द डेप्थ पोजिशन पे बेटा मतलब अंदर गए थे ना यहां पे जैसे अंदर दो चार किलोमीटर अंदर गए तब वहां पर एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी थी अब कोई बंदा पूछ सकता है सर मैं यहां से नीचे, नीचे 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 गया सेंटर पे गया कोई जा नहीं सकता भैया क्यों जैसे अंदर जाओगे ना तो आप हवा में तैरोगे ऐसे है ना वो कोई वीडियो देखा होगा आपने तो ऐसे ऊपर ऊपर आओगे आप नीचे जाने की कोशिश करोगे लेकिन अर्थ सरफेस आपको ऊपर उछलेगी जैसे मार्कर को ऊपर फेंका नीचे आ रहा था वैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकू ना तो एक लिमिट तक जाएगा वो बंदा जाएगा लेकिन कुछ देर के बाद वो फ्लोट करेगा है ना? तो बेटा ये डेथ अगर आर इज इक्वल टू डी रखा तो जी का फॉर्मूला देखो क्या मिल रहा है जीडी वन आर बाय आर तो आर आर कैंसल वन हो रहा है वन में से वन गया जीरो तो बेटा जीरो मल्टीप्लाई जी जीरो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ आर्थ अर्थ के सेंटर में आपको जीरो मिलेगी अर्थ के सेंटर पे जीरो मिलेगी ये बात पता होनी चाहिए ओके तो देखो हमने क्या देखा बेटा आर सरफेस पे 9.8 है ऊपर गए तो कम नीचे गए तो भी कम मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी चेंज होती है ये इससे सीखने को मिल रहा है यहां पे हाइट का फार्मूले के साथ रिलेशन क्या है तो देखो हाइट के फार्मूले के साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो यहां पे एक फार्मूला मिल रहा है देखो d के जगह पे टॉयस है रिलेशन भी पूछते बेटा रिलेशन क्या है एक का और हाइट का टॉयस टाइम ऑफ द हाइट पे मतलब डेथ पे जितनी ग्रेविटी चेंज हो रही है उतना ऊपर जाने के बाद कितनी होगी तो टॉय करना पड़ेगा बेटा आपको डबल होती है डबल समझे क्या ये एक्सेलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द डेथ पोजिशन है मतलब आर्क के सेंटर पे जा सकते हैं क्या नहीं सर क्या सर्व सर का है चा चार मास असतो का नहीं लक्षात नहीं आल बेटा का है काय पत्ते मेचा पत्ते मे नहीं जय नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो चलो प्लीज यूनिट एंड मेजरमेंट की पीढ़ी भेजो ना ग्रेविटेशनल जी ओके ओके ये चीज समझ में आ गई ये चीज समझ में आ गई क्या ओके कोई टेंशन है भाई आगे बढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले देखे पहले तो बता देता हूं बेटा हम लोगों ने सबसे पहले एक फार्मूला लिखा G, M1, M2, जी वन स्क्वायर इसी फार्मूले को यवल टू जी कैपिटल स्मॉल बाय आर स्क्वायर। देखा हम लोगों ने ग्रेविटी का फार्मूला देखा जी एम अपॉन आर स्क्वायर और एक फॉर्मूला देखा जी एच इज इक्वल टू जी है ना यहां पे आर डिवाइड बाय आर प्लस एच ब्रैकेट होल स्क्वायर और देखा बेटा जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस टॉइस एच आर ठीक है ये भी फार्मूले हमने देखे बाद में डेप्थ का देखा डेप्थ देख के पहले एक ग्राविटी का और एक फार्मूला देखा जो डेंसिटी के थ्रू वो ए फोर बाय थ्री पाई आर रो जी। ये ग्रेविटी का फार्मूला देखा अगर डेंसिटी पता हो हर प्लेनेट की डेंसिटी अलग अलग है कोई प्लेनेट पत्थर पत्थर से है ना खड़क बोलते हैं पता होगा आपको उससे अलग अलग पत्थरों से बना है हमारा आर्थ, हमारी आर्थ है या प्लेनेट बोल सकते हो या आ, कोई लोहा किसी अलग अलग, अलग चीज से सोने से धातु से बने वाला है अलग अलग तो उसकी डेंसिटी अलग होगी अलग प्लेनेट अलग अगर कोई अलग चीजों से बना हो तो उसकी डेंसिटी अलग उसके कारण हर प्लेनेट की ग्रेविटी अलग अलग है थैंक यू बेटा लोकर ओके उसके बाद में डेप्थ के लिए देखा था हमने जी वन माइनस डी बाय आर ठीक है बेटा इतने ग्रेविटी चीजें देखी हमने और यहां पे सेंटर पे जो देखा ग्रेविटी के वो जीरो होती है इसके सेप और साइज के कारण भी होता बेटा क्या होता है ये एंड साइज के कारण भी होता है सर कैसे बता दो देखो बेटा आर्थ एक्चुअली सर्कल में नहीं है ये ऐसे है, अंडा तो यहां पे इसको कहते बेटा पोलार और इसको कहते हैं इक्वेटर इसको क्या कहते हैं बेटा इक्वेटर जो पोलार पे ग्रेविटी होती है वो होती है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो इक्वेटर पे होती है होती है नाइन पॉइंट सेवन एट मीटर पर बड़ा है ना इक्कीस किलोमीटर से ज्यादा है इसलिए इसकी ग्रेविटी कम है पोलर की कम है रेडियस इसलिए इसकी ग्रेविटी ज्यादा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है बेटा इसीलिए होता है ऐसा ओके तो ऐसा सवाल आता है सवाल सीधे नहीं पूछते पूछते कोई बंदा इक्वेटर से पोलार गया तो उसका वेट क्या होगा अब वेट का फार्मूला होता है बेटा ये हम जी भले उसका मास सेम हो लेकिन ग्रेविटी चेंज होती है बेटा हम लोग वेट गिनते मास नहीं गिनते कभी पूछते हैं ऐसा अरे बाबू तुझे सब कितनी वस्तु माने ऐसे नहीं, नहीं विचार बाबा आप क्या पूछते हो आपका वेट कितना है आप वजन कितनी है मराठी में पढ़ते हो गए आप लोग तुझ वजन कितनी है ऐसा प्रश्न तुझे वस्तु नहीं विचार ले तो आपका मास कितना? ये नहीं पूछते भैया आपका वेट कितना वेट हम लोग वेट का फॉर्मूला भले यम, यम कॉन्स्टेंट हो हाँ यम चेंज हो सकता है भैया लाइट के स्पीड में जाना पड़ेगा समझे क्या और जी जो है वो एक्सरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी पे डिपेंड करता है इसलिए कोई बंदा इक्वेटर से पोलार जा रहा हो तो, तो वेट बढ़ेगा ये सवाल आता है पोलर टू इक्वेटर जा रहा तो वेट कम होगा कल हम लोगों को अर्थ रोटेट करने वाली है तब वेरिएशन क्या होगा यह पढ़ना है तब तक करता हूं बाय मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल के साथ तब तक करता हूं बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो